नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो भविष्य में आपको होता हुआ नजर आएगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बैंकों के मर्जर की। जी हां दोस्तों, चाहे बैंक सरकारी हो या प्राइवेट हो, यानी कि छोटे बैंक जो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, क्या उनका बड़े बैंकों के साथ मर्जर हो सकता है, इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। देखो दोस्तों, जिस तरह की आज खबर आई कि फेडरल बैंक का कोटक बैंक के साथ विलय हो सकता है, यानी मर्ज हो सकता है। हालांकि अभी तक दोनों के मैनेजमेंट ने, यानी फेडरल बैंक और कोटक के मैनेजमेंट ने इस टिप्पणी से इनकार किया है कि ऐसी कोई खबर उनके पास नहीं है। यानी कि विलय की खबर को लेकर फेडरल बैंक और कोटक बैंक के मैनेजमेंट ने अभी इनकार किया है। उनका कहना है कि अभी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है और इसके बारे में हमने सेबी को भी अवगत करा दिया है। लेकिन एक अच्छी खासी मूवमेंट आपने फेडरल बैंक के शेयर प्राइस में देखी होगी। तो दोस्तों, जो ये बात अटकलें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये मात्र एक खबरें हैं और ये होगा, डेफिनेटली होगा। मैं आपसे आज से नहीं, बहुत दिनों से ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में आप मर्जर देखोगे। जी हां दोस्तों, आप मर्जर देखोगे। जितनी बड़ी जो कंपनियां हैं वो छोटी छोटी कंपनियों का अपने में विलय करती हुई आपको नजर आएंगी। बड़े बड़े बैंक छोटे बैंकों का साफ विलय करते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी कि मान लिया, जिस प्रकार कोटक बैंक है, बड़ा बैंक है, उसने साफ अगर फेडरल बैंक को मिलाया जाता है तो डेफिनेटली कोटक बैंक और भी बहुत बड़ा बैंक बन पाएगा। यानी कि आप ये मान के चलिए, जो भी मर्जर की कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ एक ही बात की ओर इंडिकेट करती है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देख रही है हमारी सरकार, उस ओर अग्रसर कराना है। बड़ी बड़ी कंपनियों की दोस्तों स्थापना होनी बहुत जरूरी है अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का सपना देख रहे हैं। अभी तो हमने ब्रिटेन को पिछड़ा है, इन फ्यूचर अगर हमें और भी आगे जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे भी आना है, तो डेफिनेटली हमें उसके लिए प्रिपरेशन यानी तैयारी करनी ही पड़ेगी। यानी कि उसकी तैयारी दोस्तों हमें आज ही करनी पड़ेगी। और जो विलय है उसमें उसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक में। चाहे छोटे छोटे बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, उनका बड़े बैंकों में विलय होना साफ 101% श्योर है। बिना इसके बात बनती भी नजर आई ही नहीं रही। ठीक है, प्राइवेट अगर किसी भी चीज का निजीकरण कर दिया जाए, मैं सरकारी बैंक की बात कर रहा हूं, तो उससे मसला हल नहीं निकलेगा। मान लिया कोई बैंक किसी को बेच दिया, कोई बैंक किसी को बेच दिया, ऐसे तो फिर साहब वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जो यस बैंक के साथ हुई थी। तो सरकार चाहती है कि इनको बड़ा किया जाए और बड़े करने के लिए इनका मर्ज होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में मर्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान के चलिए, मेरी बातों पर विश्वास करिए कि ये मर्जर की कार्रवाई जो है वो अभी यही नहीं रुकेगी। आने वाले समय में आपको और भी मर्जर होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो सरकारी छोटे बैंक के रूप में हो या फिर प्राइवेट छोटे बैंक के रूप में हो। कोई भी बड़ा बैंक साहब इनको टेक ओवर करने के लिए तैयार बैठा है, और करना पड़ेगा 101%। अब ये बात अलग है कि डील किस रूप में हो, ये बात अभी बहुत अर्ली मेरे ख्याल से स्टेज है। अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत अर्ली स्टेज हो जाएगी कि डील किस प्रकार से हो, लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कह रहा हूं कि मर्जर डेफिनेटली होंगे, चाहे बैंक छोटा हो या बड़ा हो। उसको अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक में अपना साफ योगदान देना है तो फिर साफ विलय उनके लिए एकमात्र रास्ता है। इसीलिए छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में दोस्तों अब मिलाया जाएगा और उसकी शुरुआत इस फेडरल बैंक की खबर के द्वारा होती हुई नजर आ रही है। अभी हालांकि टिप्पणी करने से इनकार किया है मैनेजमेंट ने, लेकिन दोस्तों धुआं जब ही होता है जब आग लगती है। इस चीज को आप समझिए और एक अच्छी खासी होल्डिंग राकेश झुंझुनवाला जी के पास भी थी, इससे भी बहुत मायने निकलते हैं।
व्हाट्सएप पे मैंने वो न्यूज आपके लिए लगा दी है। बहुत पहले से फेडरल बैंक के बारे में मेरे ख्याल से कुछ भनक जरूर होगी और इसीलिए साहब 7 करोड़ के आसपास शेयर्स है राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में। अब तो वो नहीं है लेकिन उनका पोर्टफोलियो में अभी भी फेडरल बैंक भरा हुआ है। तो इन चीजों को दोस्तों समझने की कोशिश करिए, मर्जर की महत्वता जानिए कि चाहे बैंक सरकारी हो प्राइवेट, अगर वो छोटा है तो वो बड़े बैंक के साथ विलय जरूर होगा। यानी कि अब निजीकरण की संभावनाएं दोस्तों घटती हुई मुझे साफ नजर आ रही है। ये एक छोटी सी जानकारी थी वीडियो के माध्यम से मैंने देने चाहिए और इसी के साथ फाइनली आपसे लेता हूं आज्ञा इस वीडियो को समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार फाइनली। नमस्कार।